वासा की गफलत बनी शहरियों के लिए जहमत। यूसी 204 के इलाका मॉडल टाउन कॉलोनी की गली नंबर 3 समेत दीगर गलियों में कई हफ्तों से गंदे पानी के डेरे, इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। शहरियों का गलियों से गुजरना भी महाल हो गया। ताफुन से बीमारियां फैलने का खदशा। इलाका मकीन ईद कुर्बान के लिए खरीदे गए जानवर भी गंदे पानी में बांधने पर मजबूर। मॉडल कॉलोनी के रहायशी वासा के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं SDO और XCN बात सुनना ही गवारा नहीं करते। वासा इंतजामिया को जरा भी ख्याल नहीं कि हम ईद कैसे और कहां मनाएंगे। वासा से कर रहे हो, हर रोज उनके कंप्लेंट जाती है ने। वो कहते हैं जी चले हम आए हैं आपके पीछे ही, बस आज ही कम हो जाएगा, कल हो जाएगा। ये सुनते थे 3-4 महीने हो गए, लगातार गली बंद है, कोई सुनता ही नहीं है। वासा भी कुछ नहीं कर रहा, आपके सामने ही है ये देखे ना। वासा अगर कुछ कर रहा तो ये गटर बंद होता, ये पानी का कोई हल ना होता। ये तकरीबन 3 माह से हम यहाँ यही देख रहे हैं, छुट्टियां से पहले का ये काम चल रहा है, अभी तक ये वहाँ की वहाँ पे ही है। कुर्बानी आ रही है, ईद आ रही है, ये कहाँ पर अपनी कुर्बानी करेंगे। इन लोगों को जरा शर्म नहीं है, और सीटों के ऊपर बैठे एसीओं के अंदर बैठे हुए हैं, और वहाँ पर जाके ये कह देते जी आप चले हम आपके पीछे भेज रहे हैं। मॉडल कॉलोनी के रहायशियों का मजीद कहना था कि अगर सीवरेज का मसला हल ना हुआ तो ईद मनाने के बजाय वासा के खिलाफ एहतजाज करेंगे। कैमरामैन फायज नूर के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज़।